हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शरेश, आप सभी का आप सभी के परिवार संप्रेषण नवोदय पर स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और नवोदय का तैयारी हो रहा है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भिन्नों को अवरोही और आरोही क्रम में कैसे लगाया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाए क्लास में और क्लास को शेयर कर दे। जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जानकारी मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। आज यही टॉपिक है। तो अगर हम बात करें आरोही, ठीक है, आरोही आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। कुछ आपको ऐसे मिल जाए, मतलब मान लेते हैं, अभी भिन्न का बात नहीं करते हैं, अभी वैसे ही बात कर लें, 2 5 1 0 8 7 इस प्रकार का, ठीक है। कह दे इसे आरोही क्रम में करिए। किसमें? आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में करिए। तो इसको क्या कहा जाता है? बढ़ते क्रम में। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? जीरो है। उसके बाद क्या है? एक। उसके बाद दो। उसके बाद तीन चार होता है लेकिन है ही नहीं, वो पांच। उसके बाद इनमें सात, उनके बाद आठ। ये होता है आरोही क्रम में। अगर इसको कह दे अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब होता है अवरोही, ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर माने घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। अब अगर इसी को कहते डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा आठ है, फिर उससे छोटा सात, उससे छोटा पांच, उससे छोटा दो, उससे छोटा एक, उससे छोटा जीरो, ठीक है। ये तो कवर हो गया, क्योंकि ये सिंपली आपको वास्तविक नंबर दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मान लें, ये क्वेश्चन हो और इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा हो तो इस तरह से, और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हो तो इस तरह से, ठीक है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, ये हमने कर लिया। लेकिन अगर बात करें भिन्नों का असेंडिंग डिसेंडिंग का, भिन्नों का असेंडिंग डिसेंडिंग का, तो उसे कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं उसके हिसाब से हम अभी बना के उसे लगाते हैं, ठीक है। ये होता है आरोही और अवरोही। मान लेते हैं अगर भिन्नों का, ठीक है, ऐसे दे दे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 2/3, 3/5, 1/2, 8/6 और ऐसे 1/5 ऐसे दे दे, ठीक है। कह दे इसको आरोही क्रम में कीजिए, ठीक है, आरोही क्रम में करो, आरोही क्रम में करो। हालांकि आपको पेपर में चार ऑप्शंस देंगे, ठीक है, तो इस तरह को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसको किस हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है, दो तरीका है। पहला तो हम इसको भाग देके दशमलव में ही कन्वर्ट कर दें, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, है ना, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछे, ठीक है, चाहे वो आरोही हो अवरोही हो, ठीक है, अगर ऐसे पूछे तो आप लोग पहले एलसीएम लेंगे हर का, तो हर का एलसीएम ले लेते हैं, 3 का 5 का 2 का 6 का 5 का। इनका अगर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम मतलब क्या होता है, बड़ा, एलसीएम मतलब बड़ा। तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है, एलसीएम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है बड़ा। अब इसमें बड़ा कौन है, इसमें 6 बड़ा है, लेकिन 6 क्या 5 को काट रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब अगर एक भी अंक नहीं काट रहा तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। 6 का 2 = 12 कर देंगे तो 12 भी 5 जो है 12 को नहीं काटेगा, 36 = 18 ये भी नहीं कटेगा, 6 5 30 हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम,
तो आप लोग एलसीएम इस प्रकार से लेते होंगे, 3, 5, 2, 6, 5, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से काटेंगे, ये होगा 1, 5, 2, 2, 5, ठीक है। फिर हम 2 से काटेंगे, इसके बाद 5, 1, 1, माफ कीजिएगा, हाँ 1, 1, ठीक है। फिर ये 5, फिर हम 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1, 1, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, 30, ये 30 एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो 30 हो गया, ठीक है। अब सबके हर को हम 30 बनाने की कोशिश करेंगे, सबके हर को 30 बनाने की कोशिश करेंगे, और जब हर 30 बनेगा तो ऊपर भी जितने अंक से गुणा करेंगे हर में, उतने अंक से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 30, 3 को अगर 30 बनाया तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो सबका 30 ही रहेगा, नीचे सबका 30 रहेगा, तो ऊपर अगर ऊपर देखा जाए, ठीक है, नीचे सबका 30 है ये मान के चलिए। तो ये अगर इसका हम लोग देखें, एक क्वेश्चन आराम से पहले देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एलसीएम हो गया इसका 30, अब इसको 30 बनाएंगे तो 2/3 को 30, नीचे वाले को 30 बनाएंगे, 3 में कितने से गुणा करें, 30 हो जाए 10 से। तो जब नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से, तो 10 × 2 = 20 और ये 10 × 3 = 30, इसी का कॉपी हो रहा है, ठीक है। 5 में कितना से गुणा करें, 30 हो जाए तो 6 से, 6 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से, तो 6 × 3 = 18 हो गया और ये नीचे 30 हो गया। 2 को कितना से गुणा करें कि 30 हो जाए, 15 से, तो 15 अगर नीचे से गुणा करें तो ऊपर भी 15, 15 × 15 = 15, 15 × 2 = 30 हो गया। 6 को कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए, तो इसमें 5 से, 8 × 5 = 40 हो गया, ये 30 हो गया। इसका अगर बात हो तो ये 6 से, 6 और ये 30। अब ये देखना है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में अगर ये देखना है कि कौन कितना छोटा है, ठीक है, जिसका अंश, ठीक है, जिसका अंश जितना छोटा, ठीक है, जिसका अंश, अंश जितना छोटा, जितना इसके एक हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से जितना छोटा होगा वह बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा। मतलब ये कि इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, इसका सबसे छोटा अंश है, ठीक है, इसका सबसे छोटा, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे छोटा इसका अंश है, ठीक है। तो अब अगर आरोही क्रम में बात हो, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में तो सबसे छोटा अंश इसका है, यानी ये रियल नहीं है, रियल ये है, तो 1/5, ठीक, 1/5, इससे बड़ा किसका है, इससे बड़ा इसका भाई, ठीक है, 15, क्योंकि जो ऑर्डर होता है 6, 15, 18 इस प्रकार से होता है, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में पूछा है तो 1/5, इसके हिसाब से 1/5, उसके बाद 1/2, ठीक है, 1/2, यानी इसका बारी था 1/2, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है, ये है, यानी 3/5, ठीक। अब इससे बड़ा क्या है, 2/3, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है, ये वाला है 8/6। इस प्रकार से ये होता है आरोही क्रम में, ठीक है। तो पहले अगर कोई भी ऑर्डर आपको दे रहा है तो इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम बराबर करते हुए अगर नीचे 30 बन रहा है तो ऊपर को हम लोग नीचे, जैसे 30 बन रहा है, इसको 30 बनाना है तो 10 से गुणा किए तो ऊपर भी 10 से, इसको 30 बनाने के 6 से गुणा करने को मांग रहा है तो ऊपर भी 6 से, इस प्रकार से हमने किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जिसका अंश जितना छोटा वो सबसे छोटा, ठीक है, ये 6 सबसे छोटा इसमें, तो ये सबसे छोटा भिन्न है, उसके बाद इसकी बारी, उसके बाद इसकी बारी, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग जाए तो आप कर लेंगे बिल्कुल, और अगर मान लेती बाय चांस अगर ऐसे ही दिया है तो हम लोग इसको पहले करेंगे, इसको करेंगे, इसको, इसको, इस प्रकार का, ठीक है, पेपर में आसान ही देगा। ये समझ में आया, क्लियर है यहां तक, मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ये मिटा देते हैं। क्वेश्चन अगर लग जाए आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है
इसमें कह रहा 8/13, 5/13, 11/13 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही मैंने अभी बताया, ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए। तो जो दिया है वो एक, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उसका नीचे वाला हर बराबर है, 8/13, 5/13, 11/13, 7/13, ठीक है। इसको किस में करना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अब आपको बताए हैं हम कि जिसका अंश सबसे छोटा, ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि आरोही क्रम में जो होता है हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटा अंश जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 5/13, ठीक है, 5/13। उसके बाद क्या होगा, 7/13, उसके बाद 8/13, उसके बाद 11/13। ये होता है आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में ये है, ये आरोही क्रम में। अब देखते हैं ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये कहां पर मिलता है, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन एक इस प्रकार से क्लियर है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। अगला अगर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया जाए, ये आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, कितना है अभी लिख दे एक बार, है ना, 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में करना है। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, वैसे अंश अगर बराबर भी होता तो हर को बराबर करना था, ठीक है, हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो सबका हर हम ले लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 7, 8, 5, ठीक है, इस प्रकार का। अगर आपको कभी एलसीएम लेना है तो इस प्रकार से मत कीजिएगा, सीधे एलसीएम मतलब बड़ा संख्या, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 8 को क्या 5 काट रहा है, नहीं, 7 भी नहीं काट रहा, 3 भी, अगर एक अंक भी नहीं काटता है तो हम लोग उसका दुगना करते हैं, 8 × 2 = 16, तो 5 तो 16 को नहीं काट पाएगा, फिर 8 × 1 = 24, इसको भी 5 नहीं काट पाएगा, 7 भी नहीं काट पाएगा। अगर बात करें 8×5 = 40, तो 8×5 = 40 को 5 तो काट रहा है, 8 भी काट रहा है, लेकिन 3 और 7 नहीं काट रहा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग दुगना तिगना करते चलते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि वो कट रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर ज्यादा बचा हो तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें 2 से पहले काटते हैं, 2 से क्या 3 से ही डायरेक्ट कर देते हैं ना, तो 3 से काटेंगे, ये हो गया ये, ठीक है, और उसके बाद 7 से काट देते हैं, हालांकि सबका डायरेक्टली गुणा ही हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, कर देते हैं, ये 7 तो एक ही हो जाना है। अब फिर 8 से 5, उसके बाद 5 से, ठीक है, क्योंकि ये सब जो संख्या है अलग अलग है। अब इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, 8×5 = 40, यानी 8×5 = 40, और ये हो गया 7×3 = 21, ठीक है। अब हम 21 और 40 का गुणा कर देते हैं, तो 4×1 = 4, 4×2 = 8, यानी 840, ठीक है, 840। अब सभी को हम लोग गुणा करने के लिए, 40 बनाने के लिए, अगर ध्यान से देखा जाए कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, यही संख्या इधर उधर है, ठीक है। तो नीचे जब 840 बनाना है, तो ये मान के चलिए कि नीचे 840 है, ठीक है, नीचे 840 है, यहां तक हो गया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 840, ठीक है, सबका नीचे 840 है। तो अगर हम इसको 840 बना रहे हैं, इसको, ठीक है, तो यहां पर 3 तो है, लेकिन 7, ये 8 और ये 5 नहीं है, ठीक है, ठीक, यानी ये 840 हो गया, लेकिन ऊपर का हम लोग गुणा करने के लिए, 3 तो है यहां पर, लेकिन 7, 8, 5 नहीं है, तो ये 7 × 2 = 14, 14×5 = 70, और ये 70 और ये हो गया 560, ठीक है,
इतना 7/56 इतना हो गया। अब अगर इसका बात करें, इसका अगला का, इसका भी 7 तो है लेकिन 3, 8, 5 ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 8, 4, 0, 8, 4 हो गया। लेकिन ऊपर का ये जो है 7 तो है लेकिन ये चीजें नहीं है, ये चीजें तो ऊपर गुणा कराना है। 3 3 का 9, 9, 9 8 72 ठीक है, 9 8 72 और ये 5 5 2 10 7 5 35 1 36 360 ठीक है, 360 हो गया ऊपर। इसका बारी 840 इसका भी है। अब यहाँ पर 8 तो है लेकिन 7 3 5 नहीं है ठीक है, तो ऊपर गुणा करते हैं, 5 7 5 7 35 हो गया ठीक है, और ये 15 ठीक है, 35 और 15 15 25 75 7 हासिल 5 3 15 15 7 हो जाएगा कितना 22 ठीक है, 225। इसका बात करते हैं, यहाँ पर 5 तो है लेकिन ये चीजें नहीं है ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, 8 चौका 32 8 चौका 32 7 7 21 32 में 21 का गुणा करें, 21 2 42 4 हासिल 21 3 63 और 4 67 यानी 700 इस प्रकार का। अब देखना है जिसका अंश सबसे कम है, माफ कीजिएगा, जिसका अंश सबसे कम है ठीक है वो सबसे छोटा होता ही है, लेकिन अवरोही क्रम में क्या करना है, अवरोही क्रम में जो सब जिसका अंश सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा ये वाला है तो यानी ये वाला 4/5 ठीक है। अवरोही का अगर बात करें, अवरोही क्रम ठीक है, अवरोही देखिए पेपर इतना कठिन नहीं है, तो कठिन है लेकिन इससे आसान आएगा, ये अवरोही हो जाएगा 4/5, उसके बाद क्या आएगा, इससे बड़ा क्या है 2/ मतलब इससे छोटा क्या है 2/3 ठीक है, अब इससे छोटा क्या है ये है 3/7, इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 5/8 यहां तक क्लियर है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है ये, देखिए 4/5 2/3 4/5 2/3 4/5 2/3 5/8 5/8 ये यहां पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, इसका अगर देखा जाए तो कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर उसको छोड़ देते हैं, 3/7 को देख लेते हैं, 3/7 को यानी 3 3 9 40 40 और 9 का हो जाएगा, वही तो सही है। अब इसको देख लेते हैं, 5/8 को अगर देखा जाए तो 8 तो है ही, 5 7 35 और 15 35 और 15 का अगर बात हो तो ये हो जाएगा 15 5 3 15 3 45 45 हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर 45 हो गया और 7 कितना हो जाएगा 45 7 ये होना चाहिए है ना, यहाँ पर ये होना चाहिए 5 5 ये होना चाहिए ठीक है, इसलिए मैचिंग नहीं हो रहा था। तो ये अगर इसका हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा 5/8 यहाँ पर आ जाएगा 5/8 उसके बाद बचा 3/7 यहाँ पर ठीक है, अब मैचिंग हो जाएगा ठीक है, वो हो गया जल्दी जल्दी में है ना। तो ऐसे ही इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, इसका ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है ठीक है, इस प्रकार का ठीक। हाँ एक और देख लेते हैं ठीक है, ना नोट हो गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर है, 3/4 5/16 7/8
तीन बटे चार, पांच बटे सोलह, सात बटे आठ और ग्यारह बटे सोलह, ठीक है, ग्यारह बटे सोलह है। इसको क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में, इसको भी अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही पूछ रहा है। तो इसको भी क्या करना है, हम इसके हर को, हर का एलसीएम लेंगे, हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम का अगर बात करें 16 ही होगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 16 लेंगे, तो 16 आठ को काट, आठ जो है 16 काट सकता है, चार भी 16 को काट सकता है, तो एलसीएम 16 हो गया, तो सबको 16 बनाएंगे, ठीक है, इसको 16 बनाएंगे, चार से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी चार से गुणा, यानी नीचे 16 हो गया, ऊपर 12 हो गया, इसमें 16 तो ये 5 बटे 16 ही रहेगा। इसका दो से गुणा करेंगे, नीचे 16 हो गया, तो 7 दूनी 14, ये हो गया 16 तो है ही। अब इसके अनुसार हमें अवरोही क्रम में करना है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये है, यानी 7 बटे 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 बटे 4, उसके बाद 11 बटे 16, उसके बाद 5 बटे 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब ऑप्शन में देखिए क्या है, ये ऑप्शन में 7 बटे 8, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ऐसे ही आपको पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें बता देंगे आपको। लेकिन हाँ, अगर पूछे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप लोग जैसे आपने अभी बताया, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न 7/8, क्योंकि इस प्रकार से हमने जब किया तो 7/8, ठीक है, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है, उससे छोटी कौन है, उससे 3/4 है, ऐसे ही, ठीक है, और सबसे छोटी 5/16 है। इसी प्रकार से देख लेंगे, उनका एलसीएम लेके देख लेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सभी स्टूडेंट के बाद क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, और लाइक कर देंगे, जो हमारे चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद जय भारत, घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।